दोस्तों अगर आप भी हैं आईपीएल के बड़े फैन तो जल्दी से कर दीजिए हमारी वीडियो को लाइक। इसके अलावा आईपीएल की लेटेस्ट न्यूज के साथ अप टू डेट रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें। दोस्तों केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के लिए आज काफी सारी अपडेट्स निकल कर आ रही है। शॉर्ट अपडेट्स में आपको बताने वाला हूँ और फिर उसके बारे में आज की मेन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अभी वर्ल्ड कप के अंदर अगर बात करें तो यहाँ पर श्रेयस अय्यर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, खासतौर पर नेट सेशन के अंदर और पिछले मुकाबले के अंदर। यहाँ पर नॉट आउट रहकर विनिंग शॉट मारकर और अपनी 50 करके बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस के अंदर थे और श्रेयस अय्यर का जो रिकॉर्ड है बांग्लादेश के खिलाफ वो काफ़ी अच्छा रहा है। हालांकि टीम इंडिया का पास्ट मुकाबलों के लिए यहाँ पर इतना अच्छा परफॉर्मेंस बांग्लादेश के सामने नहीं रहा है, तो अगला मुकाबला इंडिया और बांग्लादेश का होने वाला है। उम्मीद करेंगे इंडिया जीते और श्रेयस अय्यर यहाँ पर अच्छी पारी खेले और अर्धशतक तो काफ़ी देख लिया, अब एक शतक की दरकरार है। वहीं अगर अभी शहीद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात करें तो अजिंक्य रहाणे ने भी अभी यहाँ पर कप्तानी पारी खेली जिसमें उन्होंने 76 नॉट आउट बनाए हैं 43 बॉलों पर, 6 चौके लगाए और 3 छक्के लगाए, तो उनकी भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी जा रही है। केकेआर में थे जब उनको यूटिलाइज अच्छे से नहीं किया गया या फिर तब वो उस फॉर्म में नहीं थे, फिर वो यहाँ पर पहुँचे चेन्नई और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई और अभी अच्छा खेल रहे हैं T20। अब आ जाते हैं यहाँ पर दोस्तों MVP पे, यानी आज का जो यहाँ पर हमारा टॉपिक है कि मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी टीम केकेआर का साल 2024 के अंदर कौन होगा। तो ये वो लिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ जो कि अभी करंट स्क्वाड है, उसमें से मैंने टॉप 3 पिक्स किए हैं। अब यहाँ पर जो नाम मैं आपको बता रहा हूँ केवल और केवल इनके ऊपर आप ध्यान लगाकर रख लेना। रिंकू सिंह साल 2023 के अंदर जितने भी मुकाबले खेले उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस अगर कोई देगा तो रिंकू सिंह ने दी है, इसलिए उनको पिक किया गया है। अब सरप्राइज होने वाला है यहाँ पर सभी प्लेयर्स और सभी जो बची हुई टीमें हैं उनके लिए, क्योंकि जब आएंगे श्रेयस अय्यर तो यहाँ पर होने वाला है सरप्राइज। अब एक साल से खेले नहीं है तो फॉर्म तो इनके पास रहता ही है, अब टीमों को काफ़ी सरप्राइज करेंगे, काफ़ी अटैकिंग के बल्लेबाज हैं। तो श्रेयस अय्यर हमारी लिस्ट के अंदर MVP में नंबर 2 पर आते हैं और जो लास्ट हमारा नाम है वो है डेविड वीजे का। अब काफ़ी लोग कह सकते हैं आंद्रे रसल हैं, इसके अलावा वेंकटेश अय्यर हैं, जेसन रॉय हैं, बहुत सारे प्लेयर हैं, बट दोस्तों टू बी ऑनेस्ट मैं आप सभी को बता दूं कि डेविड वीजे एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो खुद के बलबूते के ऊपर पूरा का पूरा मैच पलट सकते हैं। अगर आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं करते हो तो आप गूगल पर सर्च कर लो डेविड वीजे और उनके स्टेट्स एक बार अगर आप देखोगे पूरे विश्व भर के अंदर खासतौर पर T20 लीग्स में, तो आप इस बात को पूरी तरह से सहमति रखोगे। आप सभी लोग यहाँ पर पावर यानी रसल मसल का जिक्र करते हो, बट टू बी ऑनेस्ट रसल के लेवल के खिलाड़ी हैं डेविड वीजे, हालांकि दिखते वो पतली सी ट्यूबलाइट जैसे हैं। सो आप कमेंट करके जरूर बताओ आपके 3 टॉप यहाँ पर मोस्ट वैल्यूएबल खिलाड़ी साल 2024 के लिए टीम केकेआर के लिए कौन से होंगे। सो ये थी हमारी पिक। ज्वाइन करना चाहो तो टेलीग्राम भी जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर एक्यूरेसी के साथ सभी प्रेडिक्शंस और अपडेट सबसे पहले आ जाती है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना।